आज हम बात करेंगे कि डेनमार्क में जॉब कैसे ढूंढनी है। सबसे पहले बात करते हैं कि डेनमार्क में जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं भी कि नहीं। तो मैं आपको बताती हूँ, 360,000 फॉरेनर्स हैं जो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, जो कि इनकी वर्कफोर्स का 12% है। एक डेनिश सर्वे के हिसाब से यहाँ पे 80,000 पोजीशंस वेकेंट हैं जो कि फिल नहीं हो पा रही हैं। कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे हाई डिमांड है, जैसे कि इंजीनियरिंग, आईटी, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी। अब आपको जॉब कहाँ ढूंढनी है, तो पहला तरीका है कंसल्टेंट। यहाँ पे काफी सारी कंपनीज है जो कंसल्टेंट हायर करती है अपनी जॉब ओपनिंग्स को फिल करने के लिए। और यहाँ पे ऐसा है कि जो कंपनीज हैं वो उनको पे करती हैं, आपको पे करने की जरूरत नहीं है। दूसरा तरीका है वेबसाइट। यहाँ की जो मोस्ट एक्टिव वेबसाइट्स हैं वो है जॉब इंडेक्स, करियर जेट, वर्क इन डेनमार्क एंड एज यूजुअल लिंक्डइन। तीसरा तरीका है नेटवर्किंग। जो लोग पहले से यहाँ आए, जैसे कि जो स्पाउस वीजा पे आए हैं या फिर जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो नेटवर्किंग इवेंट्स में जा सकते हैं और जॉब फेयर्स में जा सकते हैं। जो रिसेंटली मूव हुए हैं डेनमार्क में और इंग्लिश स्पीकिंग जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए अच्छा सोर्स है moment.dk। अब जॉब तो ढूंढ ली, पर अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे क्या क्या चीजें जरूरी। सबसे पहले आपका रिज्यूमे जो कि शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए, मैक्सिमम 2 पेजेस, और आपने एक फोटो भी ऐड करनी है। सारा एक्सपीरियंस लिखने की जगह जो जॉब आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रेलेवेंट ही लिखो। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगी सैम्पल रिज्यूमे। लेकिन इतना ही काफी नहीं है, आपको एक कवर लेटर बनाना है जिसमें आप अपनी मोटिवेशंस लिखेंगे कि क्यों आपको ये जॉब चाहिए और इसी कंपनी में। साथ में आपने ये भी लिखना है कि व्हाई यू आर द बेस्ट फिट फॉर दिस जॉब। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है लिंक्डइन प्रोफाइल। कंपनीज के HR जरूर आपको लिंक्डइन पर सर्च करेंगे, तो आपकी प्रोफाइल हमेशा अपडेटेड होनी चाहिए। सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल फोटो एक प्रोफेशनल फोटो लगानी है, ना कि सेल्फी या फिर आप कहीं इवेंट में गए और वहाँ की फोटो लगा दी है। दैट इज अ बिग नो। इसके बाद आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखना है, जिसमें आप डिटेल में अपने रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताएंगे। उसके बाद स्किल सेक्शन में आप 4-5 स्किल्स लिखेंगे अपनी, हो सके तो एंडोर्समेंट लेंगे अपने पुराने कलीग्स या फिर मैनेजर। अब आपकी प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है, तो आप रेडी हैं जॉब्स अप्लाई करने के लिए। अगर आपको लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के लिए या कवर लेटर के लिए टिप्स चाहिए, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, हम एक डिटेल्ड वीडियो बना देंगे। थोड़ा सरप्राइजिंग है, बट ज्यादातर कंपनीज यहाँ पे आपका सोशल मीडिया भी देखती है। एक बारी ऑफिस में कुछ बात चल रही थी, तो वो लोग बोलते हैं हाँ हमने आपकी शादी की फोटोज भी देखी हैं। मैंने सोचा मैंने तो नहीं दिखाई है, फिर उन्होंने खुद ही मेंशन किया कि उन लोगों ने फेसबुक स्क्रॉल किया था मेरा। अब बात करते हैं प्रोसेस। आपने अप्लाई कर दिया, विद इन अ वीक आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन उन तक पहुंच गई है। उसके नेक्स्ट 2 वीक्स तक आपको रिस्पॉन्ड आएगा कि वो आपको कंसीडर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वो आपको कंसीडर कर रहे हैं तो आपको एक ईमेल आएगी या फिर आपको HR से एक कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए। अगर आपको 2 वीक्स तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो आप HR को खुद कॉल करो और पूछो कि स्टेटस क्या है ओपनिंग का, फिल हो गई है या फिर अभी वेट कर रहे हैं, क्या चल रहा है। अगर वो आपको इंटरव्यू के लिए कंसीडर कर रहे हैं, तो वो आपको कॉल करेंगे और आपके साथ एक स्काइप मीटिंग या फिर टीम्स मीटिंग शेड्यूल करेंगे, जिसमें HR होगा और एक आपका डिपार्टमेंट का मैनेजर हो सकता है। उसमें आपसे बहुत ही जनरल क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपकी एजुकेशन क्या है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, उसके बाद क्या आप रेडी हो डेनमार्क में मूव होने के लिए, बस ऐसे बहुत ही जनरल से क्वेश्चन पूछेंगे। बस यहाँ पे वो आपको जानने की कोशिश करते हैं कि एज अ पर्सन आप कैसे हो। उसके बाद सेकेंड राउंड में आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा। टेक्निकल इंटरव्यू में भी बहुत डिटेल्ड क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं ये लोग। अगर आपने प्रोजेक्ट्स में काम किया है, तो वो प्रोजेक्ट क्या था, आपका उसमें क्या रोल था, अगर कुछ चैलेंजेस आए हैं तो उनको आपने कैसे टैकल किया है, ऐसी सिचुएशनल से क्वेश्चंस या प्रैक्टिकल से क्वेश्चंस पूछते हैं। कुछ कंपनीज अपने एक्सपेंस पे आपको यहाँ भी इन्वाइट करती हैं इंटरव्यू के लिए। मेरा एक फ्रेंड है, उसको चाइना से बुलाया था यहाँ 1 हफ्ते के लिए, और उसके बाद उसको हायर। जनरली 2-3 राउंड्स के बाद अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, तो कंपनी आपके लिए वीज़ा अप्लाई करती है और आपको बस VFS ऑफिस जाके अपने बायोमेट्रिक सबमिट करने होते हैं। जो वीज़ा का प्रोसेस है उसमें 1 से 2 महीने लग जाते हैं। अब आपको जॉब लेने के चांसेस बढ़ाने कैसे हैं, उसके मैं आपको कुछ टिप्स दूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं मैं डेनमार्क कैसे। अभी मुझे डेनमार्क में हो गए हैं 5 साल। मैं सबसे पहले आई थी December 2016 में एक प्रोजेक्ट की कमिशनिंग के लिए। पहली बार घर से बाहर जा रही थी, तो थोड़ी नर्वसनेस भी थी कि लोग कैसे होंगे, वर्क एनवायरनमेंट कैसा होगा। और ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था, इसमें काफी कुछ सीखने को मिला और वो मेरे काम में भी रिफ्लेक्ट हो रहा था। यहाँ के मैनेजर्स को मेरे काम का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मिला और उन्होंने देखा कि मैं टीम के साथ कैसे काम कर रही हूँ, तो उनको मुझे हायर करने में रिस्क कम था, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे एक पोजीशन ऑफर कर दी। अगर आप मेरी तरह प्रोजेक्ट पे यहाँ पे आए हैं, तो काम के साथ साथ आप कनेक्शंस भी बिल्ड करें। अपने में कोई ओपनिंग आएगी तो आपको वो जरूर कंसीडर करेंगे।
आप अपने चांसेस कैसे बढ़ा सकते हो? तो अप्लाई करने से पहले आप HR को कॉल करो। कॉल करके आपने कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं जॉब के रिगार्डिंग। वो हो सकते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी अपार्ट फ्रॉम जो मेंशन कर रखी हैं, और आप ये भी पूछ सकते हो कि वो पोजीशन खाली क्यों हुई है, कोई जॉब छोड़ के गया है तो क्यों गया है, या फिर कुछ भी आपने जेन्युइन क्वेश्चन पूछना है जो आपका इंटरेस्ट दिखाए उस पोजीशन में। ऐसा नहीं है कि आपने पूछने के नाम पे कुछ भी पूछ लिया। अगर एक कंपनी में 4-5 ओपनिंग्स हैं तो आपने सारी ओपनिंग्स में अप्लाई नहीं करना है, आपने एक ही ओपनिंग पे अप्लाई करना है। कवर लेटर एक बार बना के सारी पोजीशंस के लिए नहीं अप्लाई करना है, आपने हर ओपनिंग के लिए अपने कवर लेटर को ऑप्टिमाइज करना है। अगर आपने अप्लाई किया है और आपको एक हफ्ते तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आपने कॉल करके अपडेट लेना है, या आपकी प्रोएक्टिवनेस दिखाएगा। जिन कंपनीज में आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो उनको आप फॉलो करो और उनके पेन पॉइंट्स ढूंढो और देखो कि आप उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हो। आप अनसॉलिसिटेड भी अप्लाई कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि कंपनी अपने नेटवर्क में ही ढूंढती है पहले और उसके बाद जॉब को पोस्ट करती है पब्लिकली, तो यहाँ पे कोई कंपटीशन भी नहीं होगा आपके लिए। अगर आपके पास थोड़ा भी फ्री टाइम है तो आप डेनिश लैंग्वेज सीखो, इसके लिए आप डुओलिंगो यूज़ कर सकते हो। अगर आप डेनमार्क में स्पाउस वीज़ा पे हैं या फिर एजुकेशन के लिए आए हैं तो आपके लिए डेनिश लैंग्वेज फ्री है 5 साल तक, अब जरूर सीख। जो पहले से ही डेनमार्क में है वो लिंक्डइन को एज अ नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म यूज करें और आप अपनी प्रोफेशनल कम्युनिटी से कनेक्ट करें और उनको कॉफी डेट के लिए पूछें, वो बहुत कॉमन है यहाँ। अगर आपको यहाँ पे जॉब मिल गई है तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या आपकी सैलरी होगी? क्या यहाँ पे टैक्सेस होंगे? क्या अदर बेनिफिट्स हैं? आपकी मिनिमम सैलरी होगी 3-4 लाख के बीच में, टैक्सेस होंगे अराउंड 32.5%। जो यहाँ पे स्पाउस वीजा पे आए हैं उनके लिए कोई मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट नहीं है और वो अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। नॉर्मल वर्किंग आवर्स है यहाँ पे 37 आवर्स पर वीक और आप 40 आवर्स से ज्यादा काम नहीं कर सकते। और क्या बेनिफिट्स मिलते हैं आपको? आपको 4-5 हफ्ते की वेकेशन मिलती है और मेडिकल फ्री है यहाँ पे, और जो कंपनी है वो आपका इंश्योरेंस कराती है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक करें, इट विल मोटिवेट अस टू मेक मोर वीडियोस लाइक दिस। सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तो एक बार आप चेक कर लें।